स्टूडेंट, हमने ट्रांस साइबेरियन रेलवेज पढ़ा था, वो वीडियो डब हो गया था, अलग हो गया, तो वापस स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज़ अ ट्रांस साइबेरियन रेलवे, मेजर रेल रूट ऑफ रशिया, रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्ट वेडिवोस्टोक ऑन पैसिफिक कोस्ट इन द ईस्ट, पासिंग थ्रू मास्को। मास्को से लेकर ये पीटर्सबर्ग तक चलने वाला है, पूरा वेस्ट कोस्ट को कवर करता है, और ये रशिया का डबल ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट रेलवे माना जाता है। इट हैज़ हेल्प इन ओपनिंग अप इन एशियन रीजन टू वेस्ट यूरोपियन मार्केट। मेन चीज़, इसका मेन मकसद क्या था, एशिया के अंदर वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स का रास्ता खोलना। इट रन्स अक्रॉस द यूरल माउंटेन, ये यूरल माउंटेन से शुरू होता है एंड वेनिसरी रिवर्स तक जाता है, यंसी रिवर्स तक जाता है। चिंता इज एन इम्पॉर्टेंट एग्रो सेंटर, चिंता जो है ये एवरेज जो एग्रो सेंटर है वहाँ तक है ये मेन चीज़, एंड अ फूड्स फर सेंटर, फर सेंटर मतलब कि जो फर सेंटर है मेन है। देयर आर कनेक्टेड लिंक साउथ, नेमली ओडिशा, ये यूक्रेन को और बैकू को और कैस्पीनियन कोस्ट को भी कवर करता है। अब इसके अंदर ये तजाकिस्तान, यूजबेकिस्तान और मंगोलिया तक भी जाता है, सो ये कवर करता है। अब हम चाइना के भी कबीजिंग इन चाइना, अब आप यहाँ पर देखेंगे इसको, ये ध्यान से देखिए, इसको मैप के थ्रू मैं समझा रही हूँ आज आपको। ये रेलवे मार्ग यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है सेंट पीटर्सबर्ग से, ये ढालना आना चाहिए आपको यूरोप के अंदर कहाँ से कहाँ तक है, मास्को, कजान, यकस्तानबर्ग, यामीन, ओमास्क, ये सारे जो कंट्रीज है, चिंटा, और इसके बाद कस्बोस होता हुआ वेडवोस्टोक तक जा रहा है, मतलब कि ये पूरा ईस्टर्न पार्ट से लेके वेस्टर्न पार्ट तक कवर कर रहा है। सो स्टूडेंट, ये नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे और ये ढालना आना चाहिए। सो कहाँ से कहाँ तक है ये कंप्लीट यहाँ तक वेडवोस्टोक से लेके यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वेडावास्कर से ख़त्म हो रहा है, ये पीछे यूरल माउंटेन के पास में सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू हुआ, जो कि पूरी रशिया को कवर कर रहा है और पूरा कंट्री कवर करके ईस्ट से वेस्ट तक पूरा पार्ट कवर कर रहा है। सो यहाँ पर तो ये आ गया कि रशिया के अंदर है सेंट साइबेरियन रेलवे कहला रहा था। अब आता है ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ट्रांस कैनेडियन रेलवे आपका, देखो नीचे आप ढंग से देखेंगे तो, अभी पहले मैं पढ़ देती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ट्रांस कैनेडियन रेलवे क्या है, दिस 7050 किलोमीटर लॉन्ग रूट, मतलब कि ये कितने किलोमीटर तक लॉन्ग रन करता है। लॉन्ग रेलवे लाइन इन कैनेडा रन्स फ्रॉम हेलिफैक्स इन द ईस्ट टू वैंकूवर ऑन पैसिफिक कोस्ट, पासिंग थ्रू द मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग एंड कैलगरी, यहाँ तक ये पूरा जा रहा है और ये पार्ट है इसके बीच के। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1886 में ये कंस्ट्रक्टेड हुआ था, इनिशियली एज ए पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट ऑफ मेक ब्रिटिश कोलंबिया ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ जॉइंट टू फेडरिलियन ऑफ स्टेट। यहाँ धीरे धीरे ये ईस्ट से वेस्ट तक जोड़ने वाला, ये भी कनाडा का मेन रेल रूट है। ग्रांटेड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। इट कंस्ट्रक्टेड द क्योबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन, जो कि इंडस्ट्रियल रीजन है उनको करता है, विद द वीट बॉल, आपको पता है कनाडा में सबसे ज़्यादा वीट बेल्ट है, ऑन पेरियर रीजन, जो पेरियर रीजन है उन्हें कॉन्फियर्स फॉरेस्ट रीजन नॉर्थ के अंदर, उन सब रीजन्स को रोक जोड़ता है, और कम्प्लीटली टू द अदर्स ए लूप लाइन फ्रॉम विनिपेग टू थंडर बे, जो कि सुपीरियर लेक है उसके आसपास के एरिए को कनेक्ट करता है रेल लाइन से, विथ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वाटरवेज ऑन द वर्ल्ड। सुपीरियर लेक है वो मेन चीज़, वाटरवर्क्स का, वाटरवेज का काम करती है, क्योंकि ये लेक बहुत बड़ी है और वर्ल्ड की बड़ी लेकों में गिनी जाती है। दिस लाइन इज इकोनॉमिक एंट्री एंटायर ऑफ कैनेडा, ये लिंक क्या कहलाता है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करता है। वीट एंड बीट आर द इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ दिस रूट, मेन चीज़ यहाँ से वीट और वीट दोनों ही बाहर जाते हैं। अब स्टूडेंट इसको ध्यान से देखेंगे, ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है वैंकूवर से शुरू हो रहा है विक्टोरिया तक, विक्टोरिया से लेके कैम्बोस, कैलगरी, रेगना, विनिपेग,
आप इधर आइए। इसके बाद आ रहा है क्यूबरी और क्यूबेरी और क्यूबेक, मॉन्ट्रियल और ओटावा तक। इसके बाद ये आ रहा है कहाँ पे, आप और आगे जाएंगे ईस्टर्न साइड में तो ये आता है हेलफैक्स और सिडनी तक। तो ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर रहा है हैंडर, ये यहाँ से लेके विनीबैग से लेके पूरा कैनेडियन रेलवे कहलाता है। सो यहाँ ये हमारा पूरा आ गया। इसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट आ गया और पैसिफिक ओशन आ गया। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा, ये स्टूडेंट ये ढालना आएगा मैप में, एक रेलवे लाइन ज़रूर आती है, द ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिस रेल लाइन रन्स वेस्ट ईस्ट कोर्स ऑफ साउथ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल फ्रॉम पर्थ से लेके ये वेस्ट कोस्ट तक जाता है सिडनी तक। सो ऑन द ईस्ट कोस्ट पासिंग थ्रू कैलिगरी, ब्रोकन हिल एंड पोर्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया तक जाता है। अनदर मेजर नॉर्थ साउथ लाइन कनेक्टेड एल्डीरिया एंड एलाइस स्प्रिंग टू द जॉइंट फर्दर ड्वान बैकड्यूरम लाइन। अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे, देखिए ये स्टार्ट करते हैं इसको। ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कहाँ से शुरू हो रहा है, पर्थ से शुरू हो रहा है और सिडनी होता हुआ ये नीचे कहाँ तक आ रहा है, मेडबक्कम तक आ रहा है। सो इसको और ब्रॉड करके देखिए आप, समझ आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखेंगे पर्थ, कैलगरी फॉरेस्ट, पोर्ट एस्ट्रिया, ब्रोकन हिल्स, पिटन्सबर्ग, रोटो, पोकारो और सिडनी होता हुआ ये मेलबर्न तक आ रहा है। लास्ट में मेलबर्न है स्टूडेंट, स्टार्टिंग पर्थ से है और लास्ट पॉइंट मेलबर्न है। सो ये पूरा फिर कवर कर रहा है पूरा एरिया ऑस्ट्रेलिया का। सो स्टूडेंट यहाँ आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा द ओरिएंटल एक्सप्रेस, लास्ट हमारा ओरिएंटल एक्सप्रेस आता है। दिस लाइन रन्स फ्रॉम द पेरिस, ये पेरिस से लेके इस्तांबुल तक आती है, थ्रो स्ट्रेलबर्ग, मुंचिज, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रू तक आती है। द जर्नी टाइम फ्रॉम लंदन टू इस्तांबुल बाय द एक्सप्रेस इज नाउ रिड्यूस 96 आवर्स का, ये कम कर दिया इन्होंने, जो कि 10 दिन लगते थे सी रूट से, उसे हम यहाँ आने में इस ओरिएंटल एक्सप्रेस ने टाइम लिमिट को और भी कम कर दिया है। द चीफ एक्सपोर्ट ऑन द रेल रूट आर चीज़, बैकून, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स और मशीनरी है। यहाँ से जो मेन बार भेजा जाता है वो ये सारी चीज़ें हैं। देयर इज़ अ पर्सनल बुल ट्रांस ऑस्ट्रेलियन ट्रांस एस्टिक एशियाटिक रेलवे लिंक इस्तांबुल एंड बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार को ये सब जोड़ते हैं। सो यहाँ पर हमारा रेलवे रूट ख़त्म हुआ स्टूडेंट, इनके अंदर से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नेक्स्ट आता है वाटर ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर रूट कनेक्शंस, इसमें मेन रूट कनेक्शन मतलब ना तो किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है और ना किसी एरिया की जरूरत होती है। द ओशन आर लिंक विथ ईच अदर आर निगोशिएबल विथ शिप्स ऑफ वेरियस साइजेज, यहाँ पर जो निगोशिएबल है मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या आसपास के एरिया को देखने के लिए, वो शिप के साइज पे डिपेंड करता है। ऑल दैट इज नीडेड इज टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटीज एट द एंड, इट इज मस्ट चीपर बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ वाटर इज फार लेस देन द लैंड, द एनर्जी कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ इज लोअर, यहाँ इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है, मतलब कि चीपर है ये। वाटर ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू सी रूट एंड इनलैंड वाटर, दो में बांटा गया है, सबसे पहला तो समुद्र के रास्ते से और दूसरा है जो देश की अर्थव्यवस्था में अंदर की तरफ जो नदियाँ होती है उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे इनलैंड कहते हैं। द ओशन, अब इसमें सी रूट वाला है, हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।